Dear student, assalamu alaikum. Welcome to the course Statistical Packages and its applications. The course code is STA641. My name is Sayyid Muhammad Muslim Raza and I am instructor for this course. The softwares that we are going to study in this course are Microsoft Excel 2010 and SPSS 19. Ye most popular softwares hain for analysis purpose. Microsoft Excel 2010 और SPSS 19, ये दो softwares जो हैं, ये हम इस course में study करेंगे और learn करेंगे कि इसको कैसे use किया जाता है for statistical analysis. पहला half जो होगा हमारे course का, उसमें हम Microsoft Excel जो है, इसको use करना सीखेंगे. तो second half of the course होगा, उसमें हम SPSS 19 को study करेंगे कि उसके अंदर कैसे हम data डालेंगे और कैसे उसको use करेंगे for statistical analysis. अब हम चलते हैं Microsoft Excel की तरफ. आज के लेक्चर के कंटेंट देखते हैं. कंटेंट ऑफ द लेक्चर्स आर स्टार्टिंग Microsoft Excel, ओपनिंग अ फाइल, नेमिंग एंड डिफाइनिंग वेरिएबल्स, डाटा डिस्प्ले, एंट्रिंग डाटा, हेल्प सिस्टम, टेबल्स, सेविंग files in Excel, leaving Excel, practical exercise in data preparation. इस lecture में हम Excel का, Microsoft Excel का basics देखेंगे कि उसके अंदर कैसे हम data enter कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास उसकी जो look है, उसके अंदर बहुत सारे ribbons हैं, बहुत सारे features हैं जिनको हमने explore करना जरूरी है, तो उसके बारे हम थोड़ा सा discuss करेंगे और उसके बाद एक practical exercise at the end of the lecture करेंगे कि जो जो चीज़ हमने पढ़ी हैं वो किस तरीके से उसके अंदर apply होती हैं. सबसे पहले introduction to Microsoft Excel. कि Microsoft Excel है क्या? इसके objectives हैं कुछ, वो ये कि जी to define spreadsheets and explain basic functionality, to introduce the basic features of Excel like vocabulary, entering data, formatting data, precision versus display, operators and order of precedence. ये चीजें सारी हम discuss करेंगे आगे in detail. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स जो होती हैं, दीज आर द शीट्स, इलेक्ट्रॉनिक शीट्स ऑफ पेपर ऑर्गेनाइज्ड बाय रोज एंड कॉलम्स. द एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज इट अलाउज यू टू इजीली चेंज डाटा एंड हैव ऑल रिलेटेड कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली अपडेट. यानी कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली हम देखते हैं, यानी कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती हैं और इसमें ये फायदा होता है कि जब आप डाटा डालते हैं रोज के अंदर, ठीक है, और या कॉलम्स के अंदर, तो जब हम उस पर कोई फार्मूला लगाया होता है और कोई एंट्री चेंज कर दें डाटा के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसके आंसर्स को भी अपडेट कर देती हैं. ये जो इलेक्ट्रॉनिक शीट्स हैं, दीज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड. दिस इज वन ऑफ द फीचर. और ये अब हम देखते हैं मेजर इसका जो आउटलुक है, जो हम लोग जब एक्सेल ऑन करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुलती है जो कि इस तरह से दिखाई देती है, जो आपके सामने नज़र आ रही है. अब इसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं जो कि हमें देखने ज़रूरी हैं. जो ये शीट है जिसको आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड वर्कशीट, क्योंकि इसके अंदर हम काम करते हैं, सारा काम हमारा जो है वर्कशीट के ऊपर होता है. उसके बाद जो ये पूरी की पूरी जो आपको नजर आई, दिस इज कॉल्ड वर्कबुक. वर्कबुक क्या है? इट इज द फाइल कंटेनिंग मैनी वर्कशीट्स, ठीक है, और वर्कशीट जो है जो वो जिसके अंदर हम काम करें. अब ये जो शीट नंबर वन है, दिस इज अ वर्कशीट, और ये पूरी की पूरी शीट 1, 2, 3 और मोर भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. दिस इज कम्प्लीटली अ वर्कबुक, ठीक है. अब हमने क्या है इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम ये क्विक एक्सेस बार से स्टार्ट करते हैं. जो क्विक एक्सेस बार है, ये एक छोटी सी, यहाँ पे जब एक्सेल खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ये एक बार खुल जाएगी जिसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये एक्स लिखा हुआ, दिस इज एक्सेल फाइल है. यानी कि उसके अलावा यहाँ पे ये सेव का बटन है, ठीक है, ये अंडू, ये रीडू. अगर आपने कोई फाइल बनाई है उसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ सब सेव बनवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. उसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है स्प्रेडशीट बनाने में, तो उसके अंदर हमारे पास ये अंडू का ऑप्शन भी है जिससे हम लोग दोबारा से उसको अपनी प्रीवियस
पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं कि वो जो है हमारी जो फाइल थी वो पहले कैसे दिख रही थी। और अगर आप किसी वक्त जो है आप कोई रीडू करना चाहें तो उसके भी हमारे पास ये बटन मौजूद है जिससे हम रीडू भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सर्च का बटन है जिससे हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है, फाइल में क्विक एक्सेस बार, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये है। नंबर टू में हम देख लेते हैं रिबन्स। रिबन टैब जो है ये आप देख सकते हैं, ये फाइल लिखा हुआ है, इसके आगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, टीम, दीज ऑल आर कार रिबन टैब्स। जब हम वन बाय वन इनको क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास मेन्यू खुलेंगे इसके अंदर, तो ये दीज विल बी कार रिबन टैब्स। द थर्ड वन इज द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मीन्स कि जो भी आप सेल जिस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। जिस तरह ये D2 लिखा है दैट मीन्स जिस सेल D कॉलम का सेकंड सेल जो है ये एक्टिव हुआ हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा एक्टिव सेल की, ये वो बता रहा होगा कि जी ये एक्टिव सेल ये वाला है। तो ये जो नेम बॉक्स है ये एक्टिव सेल के बारे में बता रहा है, या ज्यादा भी हो सकता है कि ज्यादा सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा भी नजर आएंगे। इसके बाद हम जो है देखते हैं फार्मूला बॉक्स, FX, दिस FX इज रिटन ओवर हेयर। इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई फार्मूला लिखना है तो यहाँ पे इक्वल्स टू डाल के आप फार्मूला लिख भी सकते हैं, कोई कॉल करना है तो वो भी FX को दबा के हम लोग फार्मूला देख सकते हैं। उसके बाद रो नंबर है, इसके अंदर ये हम देख सकते हैं कि जो ये वाला आपको नजर आ रहा है 1 2 3, दिस शोज द रोज, नंबर ऑफ रोज, यानी कि 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी द रोज। और अगर कॉलम्स देखना चाहे तो ये A B C D E, दिस विल बी द कॉलम्स। इस तरह ये जितने भी हैं जो ABC से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ऊपर, ये कॉलम्स हैं, और जो ये 1 2 3 से हैं ये ना रोज हैं, रोज नंबर। हमारे पास जिस सेल में हम क्लिक करेंगे वो एक्टिव सेल कराएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर क्लिक करते हैं डाटा डालने के लिए, जो ये हाईलाइट हुआ हुआ है सेल, तो ये जो सेल होगा ये एक्टिव सेल होगा क्योंकि उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर यहाँ आते हैं स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार्स मीन्स कि अगर हमने डाटा डाला हुआ है, डाटा ज्यादा काफी ज्यादा उस अमाउंट में हमारे पास है, तो हम क्या होगा कि ये स्क्रॉल बार स्मॉल हो जाएगी, ये हम इसको ऊपर से नीचे खींचेंगे जब स्क्रॉल बार को, तो ये जो डाटा है ये ऊपर नीचे मूव करेगा। और इसी तरह अगर हमने लेफ्ट राइट डाटा को मूव कराना है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है और हमारे पास इस साइड पे डाटा अवेलेबल है जो कि हम देखना चाहते हैं और यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस स्क्रॉल बार को राइट साइड पे करेंगे, लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो राइट साइड के जो कॉलम्स हैं वो नजर आने लग जाएंगे। तो स्क्रॉल बॉक्स का ये पर्पज है। दूसरा ये जूम है। जूम जूम प्लस और माइनस से नजर आ रहा है आपको, जब आप माइनस दबाएंगे तो ये जूम बैक हो जाएगा, और जूम इन करने के लिए हमें ये प्लस का बटन दबाना होगा, जिससे जो कि ज्यादातर यूज होता है अगर किसी को प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा, या आप जूम करके देखना चाह रहे हैं कि जी वैल्यूज क्या है और नहीं प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो उसको जूम करके भी आप शीट को देख सकते हैं। उसके अलावा व्यू बटन है, डिफरेंट व्यूज अवेलेबल हैं, सिंगल शीट, डबल शीट, या आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो ये शीट 1 2 3, दीज आर डिफरेंट शीट्स, वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। अगर हम 1 2 3 शीट्स हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसके बाद हमें और शीट चाहिए, तो हम ये जो ये बटन बना इसको दबाते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसर्ट वर्कशीट बटन। जब इसको दबाते हैं तो हमारे पास नई शीट क्रिएट हो जाती है। इन शीट्स को हम नाम भी दे सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आप अपनी मर्जी से और हमारी कन्वीनियंस के लिहाज से हम उसको रख सकते हैं। यहाँ पे है हेल्प बटन। अगर कहीं पे हमें कोई मसला आ जाए या कहीं पे हम स्टक हो जाए किसी प्रॉब्लम में, तो हम ये हेल्प बटन दबा के हम इसको जो है हेल्प ले सकते हैं एक्सेल से। दिस रिबन, दिस होल रिबन, दिस इज नोन एज होम रिबन। होम के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है। इसी तरह जितने ये इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला, हर रिबन के अंदर आपको इस तरह के डिफरेंट जो है ऑप्शन मिलेंगे। होम में जब आप दबाएंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको ऑप्शन मिल रही है कि जब आप डाटा किसी सेल में डालें तो उसका फॉन्ट क्या होगा, एरियल रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज क्या होगा, दिस इज 12 13 14, जो भी आपने मतलब फॉन्ट साइज रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
अगर साइज वैसे आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये बटन है, इससे आप इंक्रीज कर सकते हैं, इससे आप डिक्रीज कर सकते हैं। एरो का जो निशान है दैट शोज कि इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। इधर आपके पास बी का बटन है, दिस बी शोज बोल्ड। अगर आपने डाटा को बोल्ड करना है जो लिखा हुआ है तो ये बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह ये आई है, दैट मीन्स इटैलिक। अगर आपने डाटा को इटैलिक करना है तो आई दबा देंगे सेलेक्ट करके तो वो इटैलिक हो जाएगा। और अंडरलाइन करने के लिए ये यू के नीचे लाइन लगी हुई है, दिस इज द सिंबल फॉर अंडरलाइन, तो हम उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो हमारे पास टेबल की जो लाइन्स हैं, जो सेंटर लाइंस हैं या साइड की लाइंस हैं, ठीक है ना, ये लाइंस जिस तरह ये लगी हुई हैं, ये है, ये भी इसकी लाइंस हैं। तो ये लाइंस बनाने के लिए कि आपको सेंटर में बनानी है, साइड में बनानी है या बॉक्सेस बनाने, उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है जो कि आपको डिस्प्ले करता है कि कौन सी आप लाइंस लगाना चाह रहे हैं। वी विल डिस्कस इट इन द लेटर स्टेज ऑफ द लेक्चर। आगे बाकी चीजें देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है ये एक बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये जिस तरह इन्होंने ये फूड आइटम आप देख सकते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं फूड आइटम है, इसका पिछला बैक कलर है वो येलो हुआ हुआ है। वो इधर से आप सेलेक्ट करके बटन दबा के आप इधर कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, ताकि आपका जो पेज है वो मोर, उसके अंदर जो आपके पेज की हेडिंग्स है, जिस तरह फूड आइटम्स है, प्राइस पर पैकेज, पैकेजेस, टोटल, परसेंटेज टोटल, दीज आर द हेडिंग्स, जिनको बोल्ड करके आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये आपकी हेडिंग्स आ गई। उसके बाद आपने अगर टेक्स्ट का कलर ब्लैक रखना है इट्स ओके। अगर आपने चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ए के नीचे जो कलर है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कलर, तो उससे आप टेक्स्ट कलर डिफरेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है अलाइनमेंट की, टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं उसको आप सेंटर में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला बटन है। अगर आप लेफ्ट साइड पर करना चाह रहे हैं तो इस बटन को यूज कर सकते हैं, और राइट साइड पर करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास ऑप्शन डिफरेंट है, दिस इज फॉर द मर्जिंग सेल, मोर देन टू सेल जिनको कंबाइन करना चाहें, इकट्ठा करके एक सेल बनाना चाहें तो मर्ज सेल को यूज करते हैं, और उसमें दो सेल्स को जो है मुख्तलिफ सेल्स जो है उनको भी कंबाइन कर सकते हैं मर्जिंग सेल यूज करके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग अ टेबल है, स्टाइल सेल स्टाइल्स हैं, दिस विल बी डिस्कस इन द लेटर स्टेज ऑफ द लेक्चर्स। और इसमें बाकी इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, सेल के अंदर डाटा डालने के लिए ये ऑप्शन भी है हमारे पास। सेल के बारे में अब थोड़ा सा जो पीछे डिस्कशन हुई थी उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि इसमें सेल्स क्या होते हैं। सेल्स जो है ये जितनी भी वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये अंडर सम रो एंड कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस तरह ये रो नंबर वन है, इसके पहला सेल ये है और ये एक कॉलम के अंदर आ रहा है। अब ये जो सेल होगा ये हम कहेंगे कि फूड आइटम जो है ये एक सेल है जिसका नाम है A1। ए हमें शो करेगा नंबर ऑफ द नेम ऑफ द कॉलम, और जो ये वन है एंड दिस विल शो अस द रो नंबर। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू हम देखना चाहते हैं और इसको ये सेल में हमने लिखी 2.50, ये जो सेल है इसके अंदर ये वैल्यू जो है इसको हम देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास जो एक्टिव सेल जहां में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वो आ रहा होगा B2। द बी शोज द कॉलम एंड टू शोज द रो नंबर, ठीक है। इसी तरह बाकी भी हम देख सकते हैं। इसमें मेनली अब ये जिस तरह ये फार्मूला यहाँ ये जो डी है, डी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल्स टू B2*C2, तो इसमें क्या होगा कि B2 जो है जिसमें ये वाली एंट्री है जो मैंने अभी आपको बताई है, जैसे C2 क्या होगा, C कॉलम और 2 रो C2, तो ये B2 और ये C2 आ जाएगी। B2*C2, B2*C2 का आपने किया 2.5 × 2 तो ये 5 आ गया। आपने सिर्फ यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के B2*C2 करेंगे तो आपके पास ये एंट्री आ जाएगी। ये वही है जो मैंने आपको भी शुरू में बताया कि द शीट इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड। जब आपने ये फार्मूला लगा लिया, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2.5 की जगह 5 कर देता हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जब आप ये 5 यहाँ पे करेंगे और एंटर करेंगे 5 लिखने के बाद, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि 5 × 2 = 10। फार्मूला आपने एक दफा लगाया लेकिन ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर रहा है शीट को। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स दैट एन इलेक्ट्रॉनिक शीट हैज।
नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द रो नंबर. रो नंबर हमारे पास ये आपको मैंने बताया कि ये रो नंबर्स हैं, ठीक है. नंबर ऑफ ये जो रोज हैं उनको नंबर से 1 2 3 4 5 6 ऑन करते हैं, और जो कॉलम है उसको हम ए बी सी डी से डिनोट कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. शीट नंबर और जो है डिफरेंट शीट्स के बारे में बात कर लेते हैं. कभी कभार हमारा जो डाटा होता है वो एक सिंगल शीट में पर्पस पूरा नहीं हो जाता, हमें सेकेंड और थर्ड शीट को भी साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट शीट को सेकेंड और थर्ड शीट जितने भी हमारे पास शीट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम मिला के यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो हूँ ये जो शीट नंबर 1 है, बुक 1 ये जो शीट नंबर 1 है, मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ वो लिख के, और मैं सेकेंड शीट और थर्ड शीट में से सेल को इनपुट कर सकता हूँ. सिर्फ मुझे क्या करना होगा, इक्वल्स टू लिख के फॉर एग्जाम्पल सम करना चाह रहा हूँ, तो ए के नहीं यहाँ पे लिख लूंगा इक्वल्स टू सम, और जो सेकेंड और थर्ड शीट है उसको यहाँ से क्लिक करके, और उसमें से उस स्पेसिफिक वैल्यू जिनका मैं सम करना चाह रहा हूँ उन पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वो सम होके इधर आ जाएगी. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट वर्क बुक्स हैं उसको भी हम यूज किया कर सकते हैं, उनको कंबाइन करके डिफरेंट बुक्स वर्कबुक्स में से आप डाटा जो है एक वर्कबुक में से एक वैल्यू लेके, एक शीट में से कोई वैल्यू लेके, और उसको दूसरी वर्कबुक के साथ भी इंटरेक्ट करके हम लोग उसका ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग अ सेल. सी द फाइल टैब, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि फाइल टैब अभी आपने उसमें देखा जो प्रीव्यू के अंदर, उसमें जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो इसमें एक मेन्यू ओपन होता है, ठीक है. उसके अंदर हम लोग ओपनिंग अ फाइल यूज कर सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं, उसको यूज करते हैं, मॉडिफाई एक्सेल ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन उसके अंदर आ रही होती है फाइल के अंदर. उसके अलावा ये कि यही जो बार जो ये जो चीजें हैं ये जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने फाइल सेव करनी है तो एक क्विक एक्सेस बार आपको मैंने अभी पीछे दिखाई थी, उसका पर्पज यही है कि आपको बार बार जाके फाइल में सेव करने के बजाय आप यहाँ से इसका सिर्फ ये बटन बना हुआ है सेव का, इसको आप दबाएंगे तो आपका डायरेक्ट सेव हो जाएगा. कोई अंडू करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपने लिखी है और वो सही नहीं है, आपको लगता है कि जी मैंने वैल्यू गलत डाल दी है, तो ये अंडू कर देंगे तो वो वैल्यू रेज हो जाएगी. तो इसी तरह जो है डिफरेंट ये सर्च की ऑप्शन है, ये रीडू की ऑप्शन है, ये क्विक एक्सेस बार में जो मोस्ट यूज होती हैं वो हम क्विक एक्सेस बार में डाल दी गई हैं, ताकि आप जल्दी इसको यूज कर सकें, सेट ऑफ के आपको सारा प्रोसीजर फाइल में टैब में जाकर दोबारा से सारा करना पड़े. इसके अलावा ये कि हमारे पास ये जो है होम के अंदर, मैंने आपको भी बताया होम निबन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आज जब डाटा डालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें यूज होती हैं. फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और फॉर्मेट पेंटर है जो कि यानी कि अगर आप फॉर्मेट एक जैसा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सेलेक्ट करके इस बटन को आप सारा फॉन्ट जिस तरह का आप चाह रहे हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं. वी विल सी इट इन द लेटर सेक्शन ऑफ द लेक्चर. हाईलाइटिंग के लिए है टेक्स्ट के और बैकग्राउंड के. उसके अलावा ये आपके जो है सेल अलाइनमेंट्स हैं, डेटा आपका लेफ्ट लाइन है, सेंटर्ड होना चाहिए या राइट लाइन होना चाहिए, ये आप इसके अंदर देखते हैं. ये एक है नंबर जो है, इसमें अगर जब आप डेटा डालते हैं तो इसमें अगर आप डॉलर साइन करेंसी को यूज करें तो ये यूज करेंगे, परसेंटेज को यूज करें तो ये यूज कर सकते हैं, और ये जो है ये आपके डेसिमल पॉइंट्स जो है वो सेट करने के लिए. इसको हम अभी लेटेस्ट स्टेज ऑफ दिस लेक्चर हम इसको डिस्कस करेंगे. बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये जो है फॉर्मेट, अगर आप जो है देखना चाह रहे हैं या फॉर्मेट को सेट करना चाह रहे हैं कंडीशन करके, तो वो भी कर सकते हैं. जो एक्सेल है इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जिसमें से एक फीचर इसकी ग्राफिंग टूल्स है, कि अगर आपने ग्राफ बनाना है तो ये इन अ सिंगल गो और बहुत इजीली आपको जो है ग्राफ बना के दे देती है. इसमें फायदा यह है कि जी आपने सिर्फ डेटा सेलेक्ट कर लेना है जिसपे आपने ग्राफ बनाना है, उसके बाद ग्राफ में जाके और उसमें आप देख सकते हैं चार्ट टाइप आ रही है आपके पास चार्ट्स में जब आप जाएंगे तो, और ये इसमें आपके पास कॉलम है, आप इसमें डिफरेंट कॉलम चार्ट्स बना सकते हैं, इसमें लाइक क्लस्टर चार्ट्स भी हैं और भी बहुत सारे हैं, तो वो आप मुख्तलिफ जो चार्ट्स हैं इन द शेप ऑफ कॉलम्स वो आप इधर से बना सकते हैं. लाइन चार्ट जो है वो इधर से आप लाइन को सिलेक्ट करके डिफरेंट लाइंस स्पॉटेड है डिफरेंट है वो आप इधर या स्कैटर लाइन बना सकते हैं, वो भी इससे बनाई जा सकती है. पाई चार्ट है वो भी बना सकते हैं आप, फॉर कैटेगोरिकल डाटा ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं. बार चार्ट्स हैं, एरिया चार्ट है, स्कैटर डायग्राम है, और डिफरेंट और ऐसा लाइन कॉलम
मिनिमल लॉस, ये सारे इसमें बिल्ट इन है, जो कि इजीली आप जो है यूज करके बना सकते हैं फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह ग्राफ बनाते हैं इन अ सेपरेट लेक्चर। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट एक्सेल कैन डू एंड व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ एक्सेल। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बाकी हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो शीट्स हैं, जो हमने अभी डिस्कस की हैं पीछे भी, तो शीट्स जो है यूज करने का फायदा यही होता है कि जब आप एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो वो जो आपका डाटा है वो इजीली उसको आप यूज कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दी है टोटल निकालने के लिए, ठीक है, तो मैं जब इस इन एंट्रीज को अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना भी पड़ेगा, तो मैं जब एंट्रीज चेंज करूंगा तो मुझे इधर दोबारा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे चेंजेस करने से ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगी और मेरी शीट अपडेट हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि मेरे आंसर्स मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करने से मुझे आंसर मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक लेआउट बना चुका हूँ जिसमें फार्मूले में अप्लाई कर चुका हूँ। देयरफॉर द मेन फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट इज दिस के जो हम इसको यूज कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। फार्मूला कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर मैंने ये फार्मूला इधर अप्लाई किया है इक्वल टू B2*C2, तो इस फार्मूले को मैं सिर्फ स्केच करूंगा या खींचूंगा नीचे की तरफ 3-4 सेलों में जहां पे भी मेरे पास डाटा अवेलेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला बाकी सेल में भी कॉपी हो जाएगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये भी इसका है फीचर। और चार्ट जो है वो बनाना बहुत आसान है, सिर्फ डाटा आपने सेलेक्ट कर लिया और जो है आपने जो है उसको चार्ट में जाके पाई चार्ट दिया तो उसने चार्ट बना दिया, जिस तरह कैरेट्स एंड ओनियन का यहाँ पे बना हुआ नजर आपको आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे होते हैं फार्मूला में। फार्मूला हम यूज करते हैं जब फार्मूला बार में लिखते हैं, एक तो हमें ये चीज याद रखनी है कि जो फार्मूला बार है उसमें जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो इक्वल्स टू का साइन होना जरूरी है। कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हमें इक्वल्स टू का साइन डालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो हमें खुद लिख के भी मतलब यूज किए जा सकते हैं, तो उसके लिए इक्वल टू का साइन डाल के हम फार्मूला बना सकते हैं, लिख सकते हैं। और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में, कि जब हम एवरेज है, ठीक है, हमने निकाल ली है एवरेज कुछ वैल्यूज की, तो उसके लिए हमें एक्सेल बिल्ट इन फंक्शन भी देता है, और इक्वल टू लिख के आप डिफरेंट मेथड से जो है इक्वल्स टू के जरिए या सम करके मैनुअली भी हम इसको जो निकाल सकते हैं इन एक्सेल। तो वो हम डिटेल में सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं एक्सेल के अंदर एक फार्मूले को रन करने की। अभी फिलहाल ये है कि हम इक्वल ये जो एक्स इक्वल साइंस है ये हम लोग यूज करते हैं फार्मूला से पहले फार्मूला लिखने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें जो सीक्वेंस है इक्वल टू E8+3*E10-11, ये एक फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F2। अब ये जो F2 है यानी कि F कॉलम की सेकेंड सेल में जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू E8, जो E8 में वैल्यू ऑलरेडी लाई कर रही है, ठीक है, उसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ E10 एंड E11। E10 और E11 के जो सेल्स में डिफरेंस होगा वो 3 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई होकर यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा वो, और वो ऐड हो जाएगा E8 में, इससे हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम जो है डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो बिल्ट इन, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो यूज कर सकते हैं फंक्शंस लाइक सम है, एवरेज है, इफ एंड काउंट इफ इज यूज फॉर कंडीशंस। अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है तो उसमें आप इफ और काउंट इफ को आप यूज कर सकते हैं, यूजली इफ की कंडीशन यूज की जाती है फॉर कंडीशनिंग। उसके अलावा हमारे पास ये सम है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू sum A2:A8*2। इसमें क्या है कि ये A2 से लेके A8 तक सेल्स को सम करेगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, तो ये इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रिसीजन और डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं कि डाटा की प्रिसीजन जो होती है वो किस तरीके से है और डिस्प्ले कैसे क्या मुराद है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू लिख निकली, हमारी रिजल्ट आया जी 0.02349, ठीक है, अगर हम देख सकते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5 फाइव डेसिमल पॉइंट्स में ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर हम इस सेल को फिक्स कर दें 2 डेसिमल पॉइंट पे, सेल प्रॉपर्टीज में जाके
अगर हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट पर कर दें तो जो हमें पॉइंट मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा यहाँ तक 0.02, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो 3 नजर आ रही है आपको, अगर ये ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो इसमें एक ऐड कर देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या 5 या 5 से ग्रेटर होगी वैल्यू, तो ये 0.2 की जगह 0.02 की जगह 0.03 हो जाता। अगर ये 5 से लेस है जैसे इसमें है, तो ये 0.02 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक तो ये हमारे पास प्रिसीजन के बारे में, और दूसरा ऑपरेटर्स जो हैं, ठीक है, दैट शुड बी इन माइंड कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, और एक रैशनल। वो उनके बारे में हम अभी अगले इसमें डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स किस तरीके से होते हैं। रैशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास हैं वो है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज द पावर। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं ऑपरेंड्स के बीच में, ठीक है, फॉर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। कह लें कि एडिशनल है और रिलेशनशिप है, ये मल्टीप्लीकेशन है, वो हम चेक करते हैं। रैशनल ऑपरेटर्स है उसमें हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे पास रैशनल ऑपरेटर्स हैं जो के यूज होते हैं। अब जो ऑपरेटर्स हैं ये फार्मूलों में यूज होते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि जो ऑपरेंड्स, ऑपरेंड से मुराद है कि जिन पे ये अप्लाई हो रहा है, चाहे वो वैल्यू है या चाहे वो सेल है, क्योंकि सेल के अंदर भी हमारे पास डाटा ही होता है। तो इसलिए ये जो B2 है, B5 है, दीज विल बी कॉल्ड ऑपरेंड्स बिकॉज इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। और ऑपरेटर क्या अप्लाई हुआ है, एडिशनल ऑपरेटर B2+5। दिस शोज के जो है इसके बीच में जो ऑपरेटर है वो एडिशनल ऑपरेटर है, और जो ऑपरेंड्स है वो B2 और 5 है। ब्रैकेट्स हैं, एक इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीजें हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये किस तरीके से अप्लाई, कोई भी फार्मूला अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके अंदर आपके पास ये ब्रैकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप ये कुछ अप्लाई नहीं करेंगे ब्रैकेट्स, तो क्या होगा कि आपके एडिशनल, मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंट जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे 2+3 × 5, सो वट विल हैपन इफ यू वॉन्ट 2+3 टू बी डन बिफोर मल्टीप्लीकेशन, देन यू शुड हैव 2+3 एंड देन वी शुड हैव मल्टीप्लीकेशन साइन एंड देन 5। अदरवाइज इफ यू से 2+3 × 5, दैट विल गिव अस 3 × 5 देन एडिशन। सो इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज को ध्यान करना पड़ेगा कि हमें इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो फार्मूलों में बड़े ध्यान से यूज करनी पड़ती है। दूसरा नंबर पे है एक्सपोनेंटेशन, जिसमें हम लोग 2 की पावर 3 अगर लेना चाहते हैं तो 2 हैट 3 ले लेंगे। दिस शुड बी यूज टू ऑब्टेन द रिजल्ट एज 8। बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उसमें मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है हमारे पास आते हैं, इसकी इक्वल प्रोसीडेंस है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक सेल में हम फार्मूले में लिख रहे हैं, एक सेल में हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम लिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 2 × 3 एंड वी वॉन्ट टू डू इट लाइक दिस, देन वॉट विल हैपन कि पहले, क्योंकि अगर हम लोग ने फार्मूले में अप्लाई किया है तो हम एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है, पहले वो मल्टीप्लाई करेगा बाद में डिवाइड करेगा, ठीक है। वी विल से दैट मल्टीप्लीकेशन डिविजन हैज इक्वल प्रोसीडेंस एंड आर एवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसी तरह अरिथमेटिक एंड सब्ट्रैक्शन का भी है, दोनों सेम प्रोसीडेंस हैं इनकी, तो इसलिए ये लेफ्ट टू राइट ही अप्लाई होंगे। रैशनल ऑपरेटर्स जो हैं, जो अभी हमने देखे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो जितने हैं ये इनकी लो प्रोसीडेंस है एज कंपेरेबल टू मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जो अब हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंस है इसमें हम लोग एक तो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस है, इट इज अ स्पेशल ऑपरेटर दैट फोर्सेस एवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड इट, यानी कि सबसे इसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा। एक्सपोनेंशिएशन 2 पावर 3, दैट विल रिजल्ट अस 8, यानी कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट्स में ये लिख देते हैं 2
टू पावर थ्री, तो ये सबसे पहले इसे अप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दो जो हैं इन इट दे विल हैव इक्वल प्रेसिडेंस एंड आर एवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इनकी इक्वल प्रेसिडेंस है। और अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसमें क्या होगा कि जब हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो जो सेल में, क्योंकि ये इस तरीके से फार्मूला लिखा जाएगा, तो जो यहाँ पे पहले आ रहा है वो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है और बाद में डिवीजन आ रहा है। तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो पहले अप्लाई हो जाएगी और बाद में डिवीजन अप्लाई होगी, क्योंकि बोथ हैव इक्वल प्रेसिडेंस। सो वी विल द एक्सेल विल इवैल्यूएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज इक्वल प्रेसिडेंस, सो व्हाट विल हैपन इफ वी राइट 2 + 3 - 1? सो व्हाट विल हैपन, इट विल ऐड फर्स्ट 2 + 3 एंड देन इट विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, बिकॉज द फार्मूला, इन द फार्मूला द एडिशन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सब्ट्रैक्शन। Now, rational operators have low precedence than arithmetic operators. ये हमेशा याद रखिएगा कि rational operators जो है इनकी less precedence होती है arithmetic operators से। Now, we will see some precision and numbers. तो precision जो है number of decimal points या decimal places stored in a computer. This is precision. And अगर हम इसको देखें फॉर्मेटेड डिस्प्ले में, तो फॉर्मेटेड डिस्प्ले में डेसिमल प्लेसेस को हम सेट कर सकते हैं सेल्स की, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा जो 1/8, एक्चुअली इट इज 0.125, बट 0.125 इट इज एक्चुअली 3 डेसिमल प्लेसेस। सो इफ वी सेट इट ऑन 2 डेसिमल प्लेसेस, व्हाट विल हैपन कि 5 है ये, इसको 0.1, क्योंकि ये 5 या 5 से ग्रेटर के लिए मैंने बताया है कि ये एक ऐड कर देता है, तो ये 0.13 हो जाएगा और 2 डेसिमल प्लेस। सिमिलरली अगर 1 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं तो ये 3, क्योंकि लेस देन 5 है, तो इट विल रिमेन द सेम एंड इट विल बी 0.1 एंड 1 विल बी सेम 0.1। और अगर हम इसको 0 डेसिमल प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0.5 से लेस है, तो इट विल गिव अस 0। लाइक दिस इट इज रिटन here for different decimal points. So in my opinion, when we are dealing with the decimal points, you should at least take 2 or 3 decimal points. Formatting, the formatting the display, ठीक है, इसमें हमारे पास एक ये ऑप्शन आ रही है जिसको मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास डॉलर का साइन है, परसेंटेज है, कॉमा है, ठीक है, और ये दो साइंस हैं जो कि 0.0 एंड 0.00। व्हाट आर दीज आर एक्चुअली बटन्स हैं ये, जो को यूज किए जाते हैं रिबन में से, होम रिबन में से। उसमें मेन ये है कि ये जो परसेंटेज है, दैट इफ वी आर डीलिंग विद अ परसेंटेज डाटा, इफ वी वांट टू डील विद अ परसेंटेज डाटा, we can use this button to change the data into the percentages. And whereas currency, we can use this dollar sign so that we can fix the currency. इसके अलावा कॉमा जो है, कॉमा भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 1000, दिस कॉमा कैन बी यूज यूजिंग दिस बटन। अब इसमें हमारे पास एक्सेल में एक और बहुत अच्छा फीचर है, जिसमें कि हम जो डेट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, उनको उनके ऊपर भी काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 1/27/2013, ठीक है, अगर हम चाहते हैं ये इस तरह नहीं, इसे हमें डे भी दे और साथ में मंथ और वो लिखा हुआ नजर आए, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसके सेल की फॉर्मेटिंग में जाके, फॉर्मेट सेल प्रॉपर्टीज में जाके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है, डेट के अंदर। अगर हम मैंने ये सिलेक्ट की है तो ये इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाटा मैंने डाला हुआ है इस तरह, तो ये इस तरीके से मुझे कॉलम बी में नजर आ रहा है, वो नजर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है जो कि अंदर इसमें गिवन है, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स के, जिस तरीके से हमें डिस्प्ले हो डेट्स। अगर हम फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि जी दो डेट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस पता चल जाए कितने दिनों का है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस। इफ वी हैव 1/27/2013,
and the second one is 1/23/2013, and we want to find how much difference is between these two dates. So we can write equals to A1/B1, which will result is as 5. इसमें अब हमने ये चीज देखनी है कि जो सेल रेफरेंसेस हैं, ठीक है, अगर आपने दो डेट्स अलग अलग सेल में डाली हैं और उसको आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर आप इक्वल्स टू लिख के और डेट्स लिख देते हैं बिटवीन लाइक दिस इक्वल्स टू 1/27/2013 - 1/22/2013, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा. इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों डेट्स आप इंडिविजुअली अलग अलग सेल्स में A1 और B1 में डालें और फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो वो हमें 5 डेज का डिफरेंस दे देगा. अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो स्टेप्स हमने पीछे यूज किए हैं उसको किस तरीके से यूज करना है. कि अगर हमने एक स्प्रेडशीट बिल्ड करनी है और काम मतलब उसको अप्लाई करना है डाटे को, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं अपने उनको डालेंगे, लिखेंगे. उसके बाद हम जो वेरिएबल्स डालेंगे उनको लेबल कर लेंगे, वैल्यूज उनकी इनपुट करेंगे, फिर उनका फॉर्मेट सेट करेंगे. फॉर्मेट में साइज है, उसका फॉन्ट है, स्टाइल है, कलर, बॉर्डर, अलाइनमेंट, जिस तरह हमें जो पीछे चीजें हमने डिस्कस की हैं वो हम यूज करते हुए इनको उसके फॉर्मेटिंग करेंगे. और ये सारा जो है डेसिमल पॉइंट्स और डाटा सेंटर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये किस तरीके से वो दिखाई देना चाहिए, तो वो जो है हम सारा कुछ जो है फॉर्मेटिंग सेल में जाकर पहले उसका जो डाटा डालेंगे उसको हम का फॉर्मेट सेट करेंगे. उसके बाद अगर हमें कोई डाटा डालना है या कोई हमसे मिसप्लेस हो गया तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या डिलीट भी कर सकते हैं. अगर हमें किसी सेल की या किसी रो की जरूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और जो है हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स को, ठीक है. वो ये सारा कुछ हम बिल्ड करते हुए ये चीजों का हमने ध्यान रखना है. फार्मूलाज पहले यूज करके उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी डेसिमल डिस्प्ले जो है उसको हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर जो है लेवल, जो हम जो भी चाहते हैं कि जिस लेवल पे वो डेसिमल प्लेस जो है वो हमें नजर आए वो भी हम यूज कर सकते हैं यूजिंग डेसिमल डिस्प्ले. उसके अलावा जो है क्रिएट अ सिंपल चार्ट, ठीक है, अगर हम लोगों को ग्राफिकल डिस्प्ले चाहिए तो हम जो ये फार्मूला अप्लाई करके और जो रिजल्ट्स हमने निकाले होंगे उनको हम जो है चार्ट्स की शक्ल में ग्राफिकल डिस्प्ले भी कर सकते हैं. अगर शीट्स जो हैं वो मतलब उस पर डाटा पूरा आ रहा है, अगर हमारा बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है तो हम सिंगल शीट पर भी काम कर रहे हैं, नहीं तो हम डिफरेंट शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं. और जो शीट्स हैं उनको हम नाम कर दे सकते हैं, डिफरेंट नेमिंग जो है उसकी कर सकते हैं, सिर्फ उस पर डबल क्लिक करेंगे उसका नाम रख लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस के हम जिस नाम से उसको रखना मतलब कॉल करना चाह रहे हैं. अब जो थोड़े सी मेजर जो हमने चीजें अभी पढ़ी हैं उसमें हमने पढ़ा है वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक जो है जिसमें हम डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं उसमें हम काम करते हैं, और वर्कशीट जो है वही है स्प्रेडशीट है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, अपना जो भी डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है. रिबन्स आ गए, रोज के बारे में हमने डिस्कस किया है, कॉलम्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है, और सेल्स हैं, सेल्स में रो और कॉलम्स जो है हम जो कम्बिनेशन होता है और ये जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हम डाटा इनपुट करते हैं, और एक्टिव सेल जिस पे हम जिस सेल के अंदर फार्मूला या जिस कॉल के ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं फार्मूला लिख रहे हैं वो एक्टिव सेल हो जाता है, एक्टिव कर लेते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है. वैल्यूज आ गई हैं, वैल्यूज जो है न्यूमेरिक वैल्यूज हम देते हैं, अल्फाबेटिकली भी दे सकते हैं लेबल्स, ठीक है, और एक्टिव सेल जो है जो करंटली इन यूज होता है सेल जो मैंने आपको बताया वो एक्टिव सेल कराता है, और फार्मूला बार जो है ये ऊपर हमारे पास एफएक्स लिखा होता है फार्मूले में, ठीक है, जिस दैट मींस के जो फंक्शन है उसके अंदर कौन कौन से फार्मूले अवेलेबल हैं वो हम थ्रू इनपुट इनबिल्ट फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन यूज फार्मूला जो है हम लोग इक्वल्स टू डाल के फार्मूला बार में लिख के भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अब हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि इसको किस तरीके से यूज करना है. जो हमने अभी स्टडी किया है उसमें से मेजर चीज जो थिंग्स हैं वो हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में. अब आप लोग अपना एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको ओपन करें 2010 को, और उसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करें. एक्सेल इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने स्टार्टअप मेन्यू में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑल प्रोग्राम्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहा है लिखा हुआ, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल फाइल्स खुल जाएंगी जो इनकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर आपको नजर आएंगे. इसमें आपने जिस चीज को यूज करना है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है,
ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देने। जब आप इस पे क्लिक कर देंगी तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपके सामने खुल जाएगा। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने खुल जाएगा तो आपने जो चीज देखनी है वो आपके सामने ये वही व्यू है जो कि हमने अभी अपनी स्लाइड्स में देखा। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी ये जितनी भी दीज आर कॉलम्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, ठीक है, और जो ये है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये हमारे पास रोज है। अगर हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम एंटर करते जाते हैं, तो ये जो बार है ये आप देखें पहले यहाँ पे थी, अब ये इधर नीचे आ गई है। अब हम अगर 38 से ऊपर डाटा देखना चाह रहे हैं तो हमें इस स्क्रॉल बार को हम यूज कर सकते हैं ऊपर ले जाके, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डाटा कहाँ पे। अब स्क्रॉल बार को यूज कर सकते हैं फॉर गोइंग लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन। अप डाउन करने के लिए ये वाली स्क्रॉल बार यूज होगी और लेफ्ट राइट जाने के लिए ये वाली। ये हमारे पास फाइल मेन्यू है, फाइल में आपके पास ऑप्शन है सेव करने की, ठीक है, सेव कर सकते हैं आप फाइल को, ठीक है। कोई फाइल अगर आपने पहले की बनी हुई पड़ी है उसको ओपन करना है तो ओपन का बटन आपके पास यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप बंद करना चाहते हैं तो ये क्लोज का बटन बना हुआ है, आप क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब होम बटन जो है आपने होम बटन दबा दिया, ठीक है। अब आपने एक्टिव सेल के बारे में हमने आप डिस्कस किया, जो आपके पास रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं इस यहाँ पे, ये सारे सेल्स हैं। लेकिन एक्टिव सेल कौन सा सेल होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए और ये टू, यानी कि ए टू पे मैं क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी दिस नेमिंग बॉक्स, ठीक है, ये नेम बॉक्स, दिस ए टू इज द एक्टिव सेल राइट नाउ। जोन से सेल सिंगल और मोर देन वन, यू कैन सी व्हेन आई सिलेक्ट फ्रॉम बी टू टू बी सिक्स, ओके, देन इट इज रिटन एज दिस, बट द एक्टिव सेल विल बी वन, ठीक है। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो एक एक्टिव सेल हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डाटा डालना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी स्टूडेंट हाइट, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने स्टूडेंट हाइट लिखा तो ये सेकेंड जो कॉलम है या सेकेंड कॉलम की जो सेकेंड रो है उसमें ये जो सेल है उसमें ये एम्बेंड हो गया, लेकिन एक्चुअली ये प्रेजेंट फर्स्ट सेल में ही है। यू कैन सी दिस, इफ आई क्लिक बीट इट इज एन एम्प्टी सेल, बट फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट इट इज गॉन इन टू द सेकेंड सेल। नाउ व्हाट विल वी डू, अगर हम चाहते हैं कि इसको सेट करें, एक तो ये कि जब आप इस पर डाटा डाल लेंगे, आप यहां पे आके जब इस पर डबल क्लिक करें, इसकी जो ज्वाइंट है ए और बी का, इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो विड्थ है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अगर आप चाहते हैं नहीं इसकी विड्थ वही रहे लेकिन ये जो है नीचे आ जाए, ठीक है, तो आप यहां से ये एक ऑप्शन है रैप टेक्स, इसको आप दबाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट और नीचे हाइट नीचे लिखा हुआ आगे, ठीक है। ये एक ऑप्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज जो मैंने आपको बताई है वो मर्ज सेल की है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं चाहते कि ये रैप टेक्स करें, आप चाहते हैं कि जी ये दो सेल एक ही सेल बन जाए, तो आप क्या करेंगे इन दोनों सेल्स को क्लिक करेंगे, जब ये इतना ब्लैक से हाईलाइट हो जाएगा उसके बाद आपने मर्ज सेल दबा देना है, तो क्या होगा कि अब ये एक सेल बन गया है। एक्चुअली जो ए टू था वो ए और उसकी जो विड्थ है वो एनहेंस हो गई है, और बी की सेकंड सेल की जगह भी ए टू ने ले ली है। व्हाट विल वी डू कि हम आपको मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि स्टूडेंट हाइट हमने डाल दी, अपने एक वेरिएबल स्टूडेंट हाइट का डिफाइन कर लिया। फिर अब हम चाहते हैं कि जी स्टूडेंट हाइट के साथ उनका वेट भी आ जाए, वी विल से हमने यहाँ वेट लिख लिया। यहाँ पे स्टूडेंट हाइट्स लिखनी है, स्टूडेंट हाइट के लिए हम एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहाँ क्लिक करें, ठीक है, और डेटा डाल लें। दूसरा ये कि हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डेटा को। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, स्टूडेंट की हाइट है जी 6 फीट, ओके, 5.7, 5.3,
5.7, 5.8, and their weights are 60, 55, 62, 58 and 61. अब ये आपके पास स्टूडेंट वेट एंड स्टूडेंट हाइट और वेट आ गया, ठीक है। आप अब हम इसको अगर फॉर एग्जाम्पल टेबल की फॉर्म देना चाहते हैं, तो एक तो ये कि हम इसको बी दबा के बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो डाटा है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमने इनको बोल्ड कर लिया। अब आप ये देखेंगे कि टेबल की फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि इसके इनके इर्द गिर्द जो है लाइंस नहीं लगी हुई। आप इसको टेबल बनाना चाहते हैं, आपने इस पूरे को सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक करके और B8 तक आपने सिलेक्ट कर लिया, A2 से B8 तक क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को आपने छोड़ दिया। इसके बाद आपने यहां पे आना है बॉर्डर्स, ठीक है, इसमें ये ऑल बॉर्डर्स लिखे, इसको दबाएंगे तो ये एक टेबल फॉर्म बन जाएगी। इसको आप कॉपी करके वर्ड में भी लेके जा सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी फाइल में। अब फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे इसका सीरियल नंबर डालना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, ये ए जो कॉलम हेडर है, ठीक है ना, इस पे ए पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे जो ए में जो एंट्रीज थी वो बी में शिफ्ट हो गई और बी वाली सी में, यानी कि उसने एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, यू राइट SRNO सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनको बाद में सिलेक्ट किया दोबारा से और ये बटन दबाया तो आपके पास टेबल बन गया, ठीक है। अब हमने जो चीजें डिस्कस की ये तो हमारे पास आ गया कि हमने डाटा कैसे डालना है, वेरिएबल जो भी डिफाइन करने हैं वो करके उसको हाईलाइट कर देना है और नीचे इस तरीके से हमने डाटा डाल देना। अब जो वहां पे डिस्कशन हुई थी इलेक्ट्रॉनिक शीट की प्रॉपर्टीज है, उसमें ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देती है, जस्ट टू शो दैट कि ये किस तरह वर्क करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया है, ठीक है, इस सेल में, और मैं यहाँ पे ये ऑटो सम की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, दैट मीन्स कि इट विल सम ऑल द ऑब्जर्वेशन और इसको इधर लिख देगा जो इस कॉलम में है। मैंने इसको ऑटो सम दबाया तो उसने सेलेक्ट कर लिया 60 से लेकर 61 तक, ठीक है। अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 361, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये 55 की जगह मैंने गलती से 55 हमजे लिख दिया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैंने 65 लिखना था, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सारी वैल्यूज या सारी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे 65 लिखूंगा और एंटर मारूंगा एंड यू कैन सी क्या जो वैल्यू है वो 371 हो गई है। अब ये आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको सेलेक्ट किया है सेल को, तो हमारी जो सेल है इसमें डाटा सारा राइट साइड पे इस कोने में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेल के बीच में लिखा हुआ है तो ये एक ऑप्शन है, इसको आप दबाएंगे तो सेल के बीच में डाटा लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो आप इसको लेफ्ट साइड पे भी दबा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये सेल सारों पे अप्लाई हो जाए, इन साइडों को मुझे हर एक सेल पे अप्लाई करना पड़े, देन यू विल सेलेक्ट दिस होल कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन बी कॉलम सेलेक्ट करना चाहें तो बी के ऊपर लेके जाएंगे जब ये अपना एरो, तो ये जो है एरो बना हुआ आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये सेंटर दबा देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने अभी रैप टू टेक्स एंड मर्ज सेल देखा, टेबल बनाना सीखा, अगर हम इसका फॉर्मेट फॉर एग्जांपल ये अभी हमारे पास आ रहा है कैलबरी में, अगर हम इसको टाइम न्यू रोमन करना चाहते हैं, हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमने कौन सा डिस्प्ले कैसे दिखाई कैसे दे, उसका फ़ॉन्ट कैसा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जिसमें से ज़्यादातर यूज होती है टाइम न्यू रोमन। मैंने वहाँ पे से क्लिक किया उसके ऊपर कैलबरी के साथ, उसके अलावा मैंने टाइम न्यू रोमन पर आके क्लिक कर दिया तो ये सारा डाटा टाइम न्यू रोमन में क
कन्वर्ट हो गए। अब आप इसको दोबारा जब सिलेक्ट करेंगे यू कैन सी डैट कि इट्स टाइम न्यू रोमन। अब अगर ये साइज आपको ठीक लग रहा है इट्स ओके। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज बड़ा हो जाए तो यहां से आपने क्लिक करना है, ठीक है, और यहां से आप जितना साइज का बड़ा करना चाहते हैं आप इसको बड़ा कर सकते हैं। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज दैट अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आपने ये मैंने आपको बताया था ये बटन है जिससे आप इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं और इसके साथ वाले बटन से इसका साइज स्मॉल भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो हेडिंग साइज की या वेरिएबल जो मैंने डिफाइन की है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, अगर दबाएंगे तो ये येलो हो जाएगा। अगर आप कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं तो ये नीचे एरो बना हुआ आ रहा है, इसको आप क्लिक करें, जिस कलर का आप चाह रहे हैं उस कलर को आप क्लिक कर देंगे और आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि इसी इनकी जो कलर है राइटअप कलर जिससे जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाए तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और हम किसी भी किस्म का कलर उसका चेंज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके एक दो फीचर्स और देख लेते हैं। जिससे हमने अभी ये देखा है शीट नंबर 1, ये शीट नंबर 2 है, ये शीट नंबर 3। अगर हम चाहते हैं कि जी हमारे पास शीट फुल हो गए डाटा से, हम चाहते हैं और शीट हमें चाहिए, तो हम ये इंसर्ट शीट का बटन दबाएंगे, हमारे पास शीट्स भरती जाएंगी जितनी मर्जी हम शीट्स में डाल रहे। अब हम फॉर मैं इसको चाहता हूं कि जी मैं इसको शीट को नाम दे दूं कोई, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, या A1 नाम दे दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस शीट के ऊपर शीट 1 जहां लिखा है इस पर क्लिक करूंगा डबल क्लिक, तो ये इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं A1 लिख देता हूं, तो ये A1 के नाम से ये शीट फिक्स हो गई है। इसी तरह ये शीट 2 है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये चाहता हूं कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये डाटा है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल इस डाटा को मैं शीट नंबर 2 पे कॉपी कर लूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, ठीक है, शीट नंबर 2 में जाके कंट्रोल जिस सेल में रख के हम कॉपी करना चाह रहे हैं वहां पर रख के कंट्रोल वी, तो ये आप देख सकते हैं कि वहां से डाटा इधर कॉपी हो गया है। अब शीट नंबर 1 में भी डाटा है, शीट नंबर 2 में भी डाटा है। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जी शीट नंबर 3 जो है, ठीक है, उसके अंदर हम शीट नंबर 3 में जो डाटा है शीट नंबर 3 के इस सेल में, मैं ये चाहता हूं कि जी जो हाइट वेट है ऑफ जो हाइट है स्टूडेंट की, ठीक है, ये 6 जो लिखी है ये, और शीट नंबर 2 में जो हाइट है 6 ये, इसका सम उधर आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शीट नंबर 3 में लिखेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, शीट नंबर 1 पे आके जो सेल हम जिसका सम करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर जो दूसरी शीट में जहां पे सेल पड़ा है उस शीट पे क्लिक करेंगे और दूसरा सेल फॉर एग्जांपल वो भी 6 हम लोग ये B3 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम उस पर सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो दूसरा सेल भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सेलेक्ट, उसके बाद हम एंटर दबा देंगे। नाउ यू कैन सी कि क्या किया इसने, इस सेल को और सेकेंड शीट के इस सेल को उसने सम किया है और शीट नंबर 3 में यहां पे प्लेस कर दिया। इस तरीके से हम डिफरेंट शीट्स को भी आपस में यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास मेजर फंक्शंस थे। अगर हम कोई डाटा को कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं बल्कि आपको मैंने बताया था फॉर्मेट पेंटर की भी थोड़ी सी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे डाटा है, ठीक है, 45, 55, 60, 54, 45। अब ये डाटा फॉर एग्जाम्पल आप यू कैन सी दैट कि ये जो डाटा है ये इसका जो फॉन्ट है वो कैलवरी लिखा हुआ आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये भी इसी फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन में, तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम इसको यहां से यूं सिलेक्ट करें और यहां से जाके चेंज कर लें, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है क्योंकि हमने ऑलरेडी इस टेबल को बना लिया, इसका फॉर्मेट सेट कर लिया और हम चाहते हैं सेम फॉर्मेट में आ जाए, तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि इसका 2 या 3 एंट्रीज या एक एंट्री भी आप ले सकते हैं, उस पर क्लिक करके, ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और जो डाटा जिसको आप उस तरह बनाना चाहते हैं उसके फॉर्मेट का उस सारे डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट क्लिक से, तो ये एज इट इज जैसे यहां पे सेंटर्ड हुआ हुआ डाटा यहां पे भी सेंटर्ड हुआ हुआ है और वही सेम फॉर्मेट
14 टाइम्स न्यू रोमन सेम फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कि आपने अगर बहुत सारी टेबल्स बनाए हैं उनका सबका सेम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक टेबल का फॉर्मेट सेट करेंगे और उसके उस पे जो है उसके फॉर्मेटिंग के बेस पे आप बाकी टेबल्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा डिफरेंट चीजें और भी देखी हैं, जो आपके पास टूल बार था ठीक है ना, क्विक टूल बार, उसमें आप देख सकते हैं एक ये ऑप्शन है ठीक है, ये रीडू है, ये अनडू है, ये सेव है ठीक है। एक ऑप्शन ये कि अगर आपने इस फाइल को सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, पहले आप या फाइल में जाएं या सेव में जाएं, सेव को क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन देगा कि कहाँ सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप लिख दिया ठीक है और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। दूसरी ऑप्शन ये होती है अगर हमने इसको इस तरह नहीं करना तो सिर्फ आप सीधा यहाँ पे जाएं, सेव का बटन दबाएं, वो आपको फिर ऑप्शन पूछेगा कि जी कहाँ पे सेव करना चाहते हैं आप उसको। बाकी सारा प्रोसीजर वही है कि डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लें जिसमें नाम से आप सेव करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये खोल के दोबारा बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अभी देखा था वो था ग्राफ्स ठीक है, ग्राफ में डिटेल किस तरह बनाते हैं और जो है मतलब उसके किस तरह के यूजेज हैं और उसकी एडिटिंग ग्राफ के बना के अगर हमने उसकी एडिटिंग करनी है तो वो किस तरह की जाती है, ये सारा हम एक अलग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये ग्राफ्स हैं कहाँ पे। इंसर्ट में जाके जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चार्ट्स की ऑप्शन आ जाती है। आप कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास कॉलम चार्ट्स है ठीक है ना, आप कॉलम चार्ट बना लें, 2D कॉलम। थ्री डायमेंशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो थ्री डायमेंशनल चार्ट्स भी आपके पास अवेलेबल है। सिलेंडर की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो सिलेंडर की फॉर्म में भी अवेलेबल है ठीक है। जस्ट टू शो कि किस तरह ये बनता है, आपने सिर्फ ये वेट जो है फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप गए इसमें कॉलम में और यहाँ पे ये पहला ग्राफ है 2D कॉलम, इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास वेट का चार्ट बन गया है। इसी तरह आप बाकी भी बना सकते हैं लेकिन डिटेल में हम इसी पूरे के पूरे जो ग्राफिकल मैटर्स हैं जो एक्सेल के उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी फार्मूलाज हैं, फार्मूला जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी सेल में आप कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है तो आप फॉर एग्जाम्पल इधर कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं, एक तो ये है कि आप यहाँ पे F(x) दबाएं, आपके पास मल्टीपल जो है ना फार्मूलाज नजर आएंगे, सम है, एवरेज है, इफ है, हाइपरलिंक है, काउंट मैक्स मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए ठीक है, सम इफ है, PMT स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जिस पे आप फिर क्लिक करेंगे ठीक है उसमें वो नीचे आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देगा कि ये देता क्या है एक्चुअली। जिस तरह हमने मैक्स पे क्लिक किया तो उसने कहा कि रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट ठीक है, मतलब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डाटा में वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा ठीक है। इसी तरह और भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है ना इनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको और चाहिए फार्मूलाज तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मोस्ट रिसेंट यूज की जगह आप कर देंगे ऑल, या अगर हमने सिर्फ स्टैटिस्टिकल यूज करने हैं तो हम स्टैटिस्टिकल लिखा हुआ नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे आ जाएंगे जो कि आप ये देख सकते हैं। डिटेल इन फार्मूले को यूज करने की ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो है हमारे पास कौन कौन से फार्मूले यहाँ पे अवेलेबल हैं और जिसमें इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं जो कि हमारे यूज़ जिसको हम यूज़ करना चाहेंगे उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।